श्रद्धांजलि और स्वर्ग में बैठे वीर आसनों पे मौजूद हमारे इन 114 शहीदों को तभी संतुष्टि मिलेगी जब इनकी नस्लों पे कंधों पे नाम अहीर होगा। उससे कम कुछ भी नहीं, कभी नहीं, और हमें इससे कम मंजूर भी नहीं। अहीर रेजिमेंट हक हमारा, अहीर रेजिमेंट हक हमारा, अहीर रेजिमेंट हक हमारा। के लिए देश के कोने कोने में जन जागरण चल रहा है। आज गुजरात में भी दो जगह श्रद्धांजलि के बड़े बड़े उत्सव हैं। हम इसको श्रद्धांजलि सभा नहीं बोलते, हम इनको उत्सव बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लड़े थे वो आन बान शान के लिए लड़े थे, देश के सम्मान के लिए लड़े थे, तो हम तो इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज गुजरात में भी दो जगह, वहाँ एक जगह तो गुजरात के मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, और देश के हर कोने में ये मनाया जा रहा है। और गांव गांव सभाएं हमारी, ये एलन राव साहब हैं जो हिलरमेंट सदस्य समिति के अध्यक्ष हैं, ये गांव गांव निकलते हैं हर हफ्ते, कम से कम 4-5 गांवों में जाके हम अलग जगाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने देश के लिए क्या किया था, और अब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारा फर्ज बनता है। वो चले गए, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि कौम में अलग जगाएं, उनको बताएं कि अब दिल्ली के तक कोई आवाज सुननी ही पड़ेगी कि हमारे कंधे पे नाम अहीर लिखना ही होगा, और इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। अहीर रेजिमेंट बनवानी है, अहीर रेजिमेंट बनवानी है, अहीर रेजिमेंट बनवानी है, अहीर का एक ही नारा, कंधे पर हो नाम हमारा, अहीर का एक ही नारा, कंधे पर